The Aam Aadmi Party has accused the BJP of a witch hunt to target its leaders. The Aam Aadmi Party described the arrest of two of its leaders as a political ploy to browbeat opponents. Sanjay Singh, who's a member of AAP and a leader, accused Narendra Modi of pursuing what he called his Gujarat model of targeting political opponents. The Aam Aadmi Party claims posters that were put up by its leaders that 20 crore was being paid to buy the support of Congress MLAs. It added that the Delhi police instead booked Aam Aadmi Party leaders for those posters. Among the Aam Aadmi Party leaders who was arrested was Dilip Pandey, who is a spokesperson for the party. The BJP has asked for a trial for Dilip Pandey under the National Security Act. पार्टी के विदेश के दिल्ली के सचिव दिलीप पांडे के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है और ये गुजरात सरकार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो रही है वो दिल्ली में भी मोदी सरकार लागू करना चाहती है। मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी को आगाह करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथियों के खिलाफ अगर बदले की भावना से आप कार्रवाई करोगे तो सड़क पर उतरकर पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनके मेन जो स्पोक्स पर्सन है दिलीप पांडे जी, जो हर चैनल पर बैठे हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि आज दो मजहब के लोगों को मानने वाले लोगों को भड़काने के उन पे दफा लगी है और मुसलमानों के धार्मिक उन्माद को भड़काने का उन पे इल्जाम लगा के पुलिस ने उनकी अरेस्टिंग की है। ये ऐसे लोगों ने लगाए हैं जिसमें मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे आशुतोष हों, इनकी भी अरेस्टिंग इसमें पॉसिबिलिटीज हैं।